तो मैं आपको एक तोड़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने नरम हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसे आप हरी चटनी के साथ खाइए या आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बचे हुए चावल की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। जिसके लिए हमने ले लिया है ये बचे हुए चावल, ये दोपहर के बचे हुए चावल थे हमारे पास। एक घिसी हुई गाजर डाल देंगे, दो तीन हरी मिर्च डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ही कम हल्दी पाउडर डालना है, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, और इससे ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो फिर वो अच्छे से टेस्ट नहीं आएगा। तो इन सारी सामग्रियों को आपको अच्छी तरीके से हाथों से पहले मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हम इस डाल रहे हैं चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, फिर थोड़ा सा बेसन डाल लें, या फिर चावल का आटा है सूजी कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 3 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। थोड़ी सी घर की कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आपको जितना तीखा बनाना है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ये आप देख सकते हैं, और फिर से इसे हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी सामग्री हमारी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने तवा रख दिया है और इसे इस तरीके से तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से तेल को लगा लेना है और इसका एक पोर्शन तोड़ना है। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं ना, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो इसे आपको ना बेलना है और ना ही कुछ करना है। तो इसे मैं डायरेक्ट ही तवे में रख दे रही हूँ। गैस को बिल्कुल धीरे कर देना है। तो हम इसे अच्छी तरीके से ऐसे कर लेंगे बराबर से, ये आप देख सकते हैं, और अब इसे हमें पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी रोटियां हमने बना करके तैयार कर लिया है। क्योंकि हमने इसे बिना तेल का बनाया है तो इसलिए मैं इसे रोटी का नाम दे रही हूँ। आप इसका क्या नाम देंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये इसे आप मसाले वाली रोटी भी कह सकते हैं। सिर्फ जो हमने शुरू में तेल लगाया था, बस उसी तेल में सारी रोटियां हमारी बन करके तैयार हुई हैं। तो इसे हमने हरी चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आप इसे चाहें तो आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।